श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनकी जीवन की हर चर्या वन पड़ी स्वयं की नव गाथा। जिनागम का वह सुधा कलश जो विखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ भगवंत गुरु श्री विद्यासागर महामुनिन्द्र अत्रे अवतार अवतार समूह सदित्यावाहननम जय हो जय हो जय हो अत्रे तिष्ठे तिष्ठे ठाठाति स्थापनम जय हो जय हो जय अत्र ओम हो सन्नितो भव षट सन्निधि जय करणम। हो जय हो जय हो संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब वेद सिंधु के जल कण से भव काल उसे धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रेष्ठ गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिन्द्राय जन्मे जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्ववामी ते स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया है। चंदन समय शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन गोलाया ओम रिम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुव श्री विद्यासागर महामुनिन्द्राय भवाता विनाशनाय चंदनम निर्ववामि स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह दर्द कमल भी खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिंद्राय अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षतांड स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में वना सदा से मत वाला, तृष्णाओं को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। में काम भाव विध्वंस हित सुमन चढ़ाने आया हूँ। इस न सके यह भाव है आया। ओम संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिंद काम बण विद्वंस ने अखंड ब्रह्मचर्य पद प्राप्त पुष्पम निर्ववामिति। इस क्षुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नई वेद समर्पित करके मैं सजना की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर दीप जलाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्ववामि इति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यही दीप समर्पित जो है गुरुवर मेरा दम दूर भगा देना,
तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम संत सुरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिंद्राय महामोहंधकार विनाश न केवल ज्ञान प्रकाश काय दीपम निर्ववामिति स्वाहा। शुभ कर्म ने घेरा है मैंने अभी तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा पिनाना था। शुभ अशुभ कर्म सवेरे पुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए तब जब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम संत सुरमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिंदाय दुष्टष्ट कर्म दायिनाय धूपम निर्ववामिति। भोगो को इतना भोगा कि खुद कोई भोगी बना डाला, साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम संत सुरमणि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिंदाय महामोक्ष फल प्राप्त है दिव्य फलम निर्ववामिति। जग की वैभव को पाकर में निस्दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम संत सोमणि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्तय अर्घम निरववामिति। स्वाहा। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित है हर साई जगती के कण कण, कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। मल्लप्पा पूज्य पिता श्री को हर समय मति कृत कृत्य किया, बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनि राज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य लेने का पड़े, आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उद मानो रविता परिवार तुम्हारा, सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की छेनी से गिर कर्म काटने वाला हो। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सा, तुम साध वाद के प्रस्तुता वाणी वीणा के मधुर ताल, तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने। तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पद देने, वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुभव करुणा के झरने झरते हैं। तुम्हें कैसा सम्मोहन है या है कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर जाता नहीं चाहे कभी बिलक होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला, जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर वर्णाला है। शब्द नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा अनजाना, स्वर ताल छंद में क्या जानू केवल भक्ति में भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्क मिटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत।
ओम भरुम संत शिरोमणि परम पूज्य श्रेष्ठ आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है जय माला पूर्णर्घम निर्वपामीति। ज्ञान सिंधु के शेष हो सागर बड़ा विशाल, शब्दों में ना हो सके अता पूर्ण जय माल। ओ इत्याशीर्वाद पुष्पांजलम छिपामी, उदक चंदन तंडुल पुष्प कई सरसुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल, जिन ग्रही मुनि राज ओम हरा परम पूज साक्षात विराजन निरापक श्री प्रसाद सागर जी महामुनिंदा चंद प्रभ सागर जी मुनिंदा निरामय सागर मुनि से तीन कम नौ कोटि महामुनिंद्र भ्यो नमः नरक पद प्राप्त ही हर गम निरवपामिति। नमोस्तु महाराज जी। अब पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में निवेदन अपने आशीष वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। चौबीस तीर्थंकर भगवंतों की गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की मूक माटी रचित आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी योग सागर जी नियम सागर जी सुधा सागर जी समता सागर जी व समाधिस्थ प्रशांत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री चंद्रप्रभ व निरामय सागर जी महाराज की परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित पंथ निज स्वभाव में थिर भये वज्र नाभि निर्ग्रंथ। वैराग्य भावना में हम सभी पढ़ते हैं जानते हैं शुरू से पाठ करते आए हैं कि किस तरह से बड़ा चक्रवर्ती राजा महाराजा क्यों ना हो यदि उसको अपने आत्म कल्याण करना है तो समस्त परिग्रह का त्याग करना पड़ता है। संसार में जितना भी संघर्ष हो रहा है जितना भी अशांति फैल रही है उसके पीछे तो परिग्रह ही मुख्य रूप से रहता है। इसलिए जैन दर्शन में पांच पाप में वे बताया गया है, परिग्रह भी उस पाप गिनाया गया है। तो हिंसा झूठ चोरी कुशील इनको लोग तो समझते हैं कि पाप हैं, परिग्रह को समझ में नहीं आता कि परिग्रह पाप कैसे हैं। तो परिग्रह पर जब अपनी लालसा बढ़ जाती है आसक्ति बढ़ जाती है उसके प्रति उसके कारण से अहंकार बढ़ जाता है तो पाप का कारण बन जाता है। इसलिए उस पाप से बचने के लिए हमेशा कहा गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन आपने नाम सुना होगा, उससे पूछा कि उसने बड़ी खोज की है कि पहले युद्ध तो पहला विश्व युद्ध हो गया दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया अब तीसरा युद्ध विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। तो उस वैज्ञानिक ने कहा कि तीसरा कैसा लड़ा जाएगा हम बता नहीं सकते हैं लेकिन चौथा बता सकते हैं कि चौथा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, बताइए कैसे लड़ा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में इतना परिग्रह होड़ हथियारों की लालसा बढ़ गई है कि तीसरे विश्व युद्ध होगा कुछ भी नहीं बचेगा एकमात्र पत्थर बचेंगे पाषाण बचेगा। तो चौथे युद्ध जब भी लड़ा जाएगा पाषाण पत्थरों से लड़ा जाएगा हम मतलब पुराने पाषाण काल में फिर से पहुंच जाएंगे। इन सब के पीछे परिग्रह मुख्य होता है। शरीर को भी परिग्रह कहा है, दिगंबर साधु शरीर को भी साधना करते हैं परिग्रह मान के हैं कि आत्मा के लिए इस शरीर रूपी कपड़ा को ओढ़ के रखा ऐसा कहा जाता है। लोग समझते हैं कि शरीर सब कुछ हमारा कुछ ही है लेकिन जब परिग्रह के शरीर के प्रति भी ममकार की भावना सब छूट जाती है सच्चे अर्थों वही साधना कहलाती है। एक तथ्य आया था कि मरने के बाद क्या होता है, तो मरने के बाद में हृदय जो हार्ट होता है ना केवल 10 मिनट जीवित रहता है, 10 मिनट तक उसकी पल्स चलती रहती है स्पंदन चलता रहता है। और यदि उसमें ब्रेन मस्तिष्क कब तक काम करता रहेगा मरने के बाद में 20 मिनट तक, 20 मिनट के बाद में मरने के बाद में मस्तिष्क भी डेड हो जाता है। और मरने के बाद में जब प्राण निकल जाते हैं तो आंखें 4 घंटे तक जीवित रहती हैं मरने के बाद में,
यदि उसके बीच में आपने दी आंखें बदल दी किसी कर दी तो आंखें काम करना चालू हो जाती हैं, ट्रांसप्लांट हो जाता है ना। तो मरने के बाद में 20 मिनट तक तो आपका काम करता है मस्तिष्क है, 10 मिनट काम करता है आपका आपका हार्ट है, जीवित रहता है, और 4 घंटे तक आपकी आंखें जीवित रहती हैं, और त्वचा होती है ना स्किन, ये 5 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि 5 दिन के बाद में वो खराब होना चालू हो जाती है, कोई काम की नहीं रहती है, इसलिए बर्फ की सिल्ली में रखा जाता है, 5 दिन तक वो जीवित रहती है त्वचा। और हड्डियाँ जो होती हैं वो 30 दिन के बाद में खराब होना चालू हो जाती हैं। हड्डियाँ ये पूरे शरीर के अवयव आपको बता रहे हैं कि ये 20 मिनट में, 10 मिनट में, 4 घंटे में, 5 दिन में, 30 दिन में ये समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इस शरीर के द्वारा इस जीव ने जो भी कार्य किए हैं, जो भी कर्म किए हैं, वो न घंटों में नष्ट होते हैं, ना ही वह आपके सालों में नष्ट होते हैं, न इस जन्म में नष्ट होते हैं। जो जीव कर्म करता है तो वो जन्म जन्म तक जीवित रहते हैं। उनकी निर्जरा इस ढंग से यदि आपने नहीं की, इसलिए विचार विवेक करना हमको कि हमको दुर्लभता से मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, तो उसको हम ऐसे कार्य में लगाएं कि हम जो कर्म कर रहे हैं अच्छे कार्य करें, ताकि उसका फल हमको अच्छा भोग हमको प्राप्त हो सके। जब सम्राट अशोक का आपने नाम सुना होगा, राजा सैनिक जो हुए उनका पौत्र कहलाता है, बिंबिसार का प्रपौत्र कहलाता है सम्राट अशोक। उसका नाम क्यों लिया जाता है, संविधान में उसके बना ना शेर का चिन्ह बना है सम्राट अशोक का, इसलिए नहीं क्योंकि जब उसने कलिंग में चढ़ाई की, उड़ीसा में कलिंग है ना, और उसने युद्ध किया, युद्ध में बहुत से लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए, उस समय की बात बता रहे हैं, आज के लगभग 2000 वर्ष पुरानी बात होगी कम से कम, तो उस समय ज़्यादा भी हो सकता है, तो उस समय इतने लोग मारे गए, जब उसने देखा, लेकिन वहाँ कलिंग के जितने नागरिक थे उन्हें हिम्मत नहीं हारी, वो कलिंग वाले हम सम्राट अशोक से युद्ध लड़ते रहे। जब उसने युद्ध मैदान में जाके देखा इतने लोग तड़प रहे हैं, इतनी विधवाएं माएँ रो रही हैं, बहुत से विकलांग हो गए हैं, तब उसके अंदर की मानवता जाग उठी। तब उसने कहा मैंने बड़ा गलत कर दिया, मैंने इतना नरसंहार कर दिया, उसको पश्चाताप हुआ, और वह जहाँ जो हिंसा केम था, जिसका अहंकार बड़ा हुआ था, जो हिंसा का सहारा ले रहा था, जिसको परिग्रह की लालसा बनी हुई थी, उसका मन परिवर्तित हो गया, पश्चाताप उसने किया और हिंसा को छोड़ करके अहिंसा की शरण में आ गया, इसलिए आज उसका नाम भी संविधान में लिखा गया है। अभी सुनने में आया तुर्की में भूकंप आया था, आया हुआ ना, कितने लोग मर गए, उसमें सुनने में आया कि 2 महीने की या 20 दिन कितने दिन की बच्ची 120 घंटे बाद जिंदा मिली। उस जीव ने ऐसा पुण्य कर्म लेके आई होगी, आयु कम से लेके आई है कि इतनी विपत्ति के बाद भी, इतना भूकंप आ गया, मलबे में दबे होने के बाद भी वह जिंदा निकल आई। एक कहला तो उसने उस जीव ने ऐसा कोई अच्छा कार्य किया होगा जिसके फलस्वरूप इतनी विपत्ति आने के बाद भी उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। कहने में आता ना, जाको राको साइया, मार सके ना कोई, साइया जो कोई अलग नहीं है, ये हमारे स्वयं के किए कर्म हैं जो कि जन्म जन्म तक जीवित रहते हैं, इसलिए हमको ऐसे कार्य करना चाहिए ताकि हमारा अच्छा कार्य हो सके। जब हम दुनिया की ओर देखते हैं, पंक्ति लिखी है प्रशांत सागर महाराज जी ने, जिनके भी समाज में ना पुस्तक में पंक्ति पढ़ के आया उसमें, कि हम जब दुनिया की ओर देखते हैं तो हमको कलयुग नजर आता है, जब हम दुनिया की ओर देखते हैं तो कलयुग नजर आता है, जब आचार्य श्री की चर्या की ओर देखते हैं तो सतयुग नजर आता है। अभी सुनो आगे की बात सुनो, जब दुनिया की ओर देखते हैं तो कलयुग नजर आता है, और जब आचार्य श्री की चर्या को देखते हैं तो हमको सतयुग नजर आता है। ये तो हम सब परिचित हैं उनकी बातों को, चर्या को देखते हुए, जब उनकी इस बातों को सुन करके कोई अपरिचित व्यक्ति देखता है, जानने वाला नहीं है, जब अपरिचित व्यक्ति इस बात को देखता करता है तो उसको धर्म युग नजर आता है, उसको धर्म युग नजर आता है। तो हम ऐसे कार्य करें, ऐसे अहिंसा की शरण हमेशा लेते रहें कि हमारा जीवन धर्म में होए और सब जीवों में शांति हो, और हम परिग्रह को उसको छोड़ करके उसके उसकी परिग्रह को समझें कि हमारे लिए नुकसानदायक ही है, इस कारण से ही हमारा
अहित होता आया है तो परिग्रह छोड़ तो नहीं सकते हैं, कम से कम उसको कम तो कर सकते हैं। उसके प्रति जो हमारी ममकार भावना है, लगाव है, उसको हम कम कर करके ऐसे निर्गंतों की उपासना करके करने के साथ भी हम निर्गंत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। उसी के द्वारा ही इस आत्मा का कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार के सभी जीवों को यह प्राप्त हो और हम सबका अहंकार गल जाए, इसी मंगल भावना के साथ में बोले अहिंसा परमो धर्म की जावाणी के ज्ञानते सूझें लो कालो सुवाणी मस्तक धरूं सदा जी तुम दो हे जनवाणी भारती तुम जपो दिन ज्योतिरो शरणा गई सो पावे चुप।